नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार, आलोचक एवं उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आरत दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थे। इनकी माता का नाम ज्योतिषमती था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव के स्कूल में हुई थी। वर्ष 1920 ईस्वी में इन्होंने बसरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत गाँव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी विषय का अध्ययन कार्य प्रारंभ किया, जहां उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य श्री मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया। यहीं से इन्होंने अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से शुरू किया। जुलाई 1950 में द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1997 में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया। द्विवेदी जी के निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य के महान लेखक द्विवेदी जी 4 फरवरी 1979 को पक्षघात के शिकार हो गए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में वह स्वर्ग सिधार गए। हिंदी साहित्य के लिए उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं में परिमार्जित खड़ी बोली का उपयोग किया है। वे भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग करते थे। उनकी भाषा के 2 रूप हैं। पहली है प्रांजल व्यवहारिक भाषा और दूसरी संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। प्रांजल व्यवहारिक भाषा का उपयोग द्विवेदी जी ने सामान्य निबंधों में किया है। इस प्रकार की भाषा में उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश किया हुआ है। द्वितीय शैली या संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का उपयोग उन्होंने उपन्यासों और सैद्धांतिक आलोचना के क्रम में परिलक्षित किया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द रियल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।